दोस्तों, अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, कयामत कब आएगी? जवाब, कयामत आने वाली है, लेकिन उसका ठीक वक्त खुदा ताला के सिवा कोई नहीं जानता। इतना मालूम है कि जुमा का दिन और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ निशानियां बता दी है। इन निशानियों को देखकर क़यामत का करीब आ जाना मालूम हो सकता है। क़यामत की क्या निशानियां हैं? जवाब, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, नंबर एक, जब दुनिया में गुनाहगार ज़्यादा होने लगे। नंबर दो, और लोग अपने माँ बाप की नाफरमानियाँ और उन पर सख्तियाँ करने लगे। नंबर तीन, अमानत में खयानत होने लगे। नंबर चार, और गाने बजाने नाच रंग की ज़्यादती हो जाए। नंबर पाँच, और पिछले लोग पहले बुज़ुर्गों को बुरा भला कहने लगे। नंबर छः, बेइल्म और कम इल्म लोग पेशवा बन जाए। नंबर सात, चरवाहे वगैरह कम दर्जे के लोग बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे। नंबर आठ, नाकाबिल लोगों को बड़े बड़े ओहदे मिलने लगे, तो समझो कि कयामत करीब आ गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।